बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पकौड़ा कढ़ी की रेसिपी दे रही हूँ। पंजाबी स्टाइल की कढ़ी हम बनाने लगे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ होंगे। सबसे पहले हम इसकी कढ़ी चढ़ाएंगे और फिर हम बाद में इसके पकौड़े रेडी करेंगे और तड़का लगाएंगे, ठीक है। तो दही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आधा किलो। 500 ग्राम जो है वो योगर्ट यूज़ कर रही हूँ। योगर्ट आप कोशिश करिएगा थोड़ी सी खट्टी वाली कोई मिल जाए तो उससे कढ़ी ज़्यादा मज़े की बनती है, इंस्टेड के आप मीठी लें, ठीक है। तो आप थोड़ी सी कोई भी लो फैट वाली, लो फैट की ना भी हो, ऐसी हो जिसमें थोड़ी सी खटास ज्यादा हो, ठीक है। आधा किलो मैंने लेनी है दही। इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप बेसन थोड़ा सा भर के, ठीक है। इसको आप छान लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा। प्याज एक बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई है। लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 1 टेबल स्पून भर के। मसालों में मेरे पास है नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है, वो हम चक्के और ऐड कर सकते हैं जितना भी आपके हिसाब से हो। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून है, हल्दी आधा टीस्पून ली है, धनिया धनिया 1 पाउडर 1 टीस्पून जो है भर के लिया है, 1 से 1.5, ठीक है। और जीरा यहाँ पर 1 टीस्पून थोड़ा सा कम। साथ में जो है हम ये योगर्ट हो गई, बेसन हो गया। और तड़के के लिए जो है यहाँ पर यूज़ की जाती है नॉर्मली जो साबुत धनिया होता है वो, लाल मिर्चें जो मोटी वाली होती हैं, जिसको लाल वाली मोटी मिर्चें आप दालों पर भी तड़के के लिए यूज़ कर सकते हैं वो, और जीरा, और ये यहाँ पर कड़ी पत्ता है मेरे पास। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि लाल मिर्चें जो हैं वो इतनी पसंद नहीं की जाती हैं धनिया, तो वो मुंह में आता है, हमारे यहाँ बच्चे भी पसंद नहीं करते, तो मैं सिर्फ यहाँ पर जीरा और तेजपत्ते का तड़का लगाने वाली हूँ, सही है। तो सबसे पहले हम चढ़ाने लगे हैं कड़ी। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक बोल ले लीजिए, उसके अंदर आपने डालना है 1 कप बेसन, इसके अंदर आपने ऐड करना है योगर्ट। आप इसको ब्लेंडर में भी बना सकते हैं, जो जूसर होता है ब्लेंडर, आप उसके अंदर भी डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करके इसका फाइन पेस्ट बिल्कुल बना के बारीक भी कर सकते हैं। मैं इसको अभी बस ऐसे ही मिक्स करने लगी हूँ, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए दोनों चीज़ों को। कुछ लोग इसको जो है वो ब्लेंडर में सारे मसालों के साथ ही पीस के और सीधा चढ़ा देते हैं पानी के साथ देगची के अंदर ही, और जब वो अच्छी तरह से पक जाता है तो फिर उसके साथ आप तड़का वगैरह लगाते हैं। और कुछ लोग इसको मसाला भून के बनाते हैं, जिस तरह से मैं आज यहाँ पर बनाने लगी हूँ और मसाला भून के बना रही हूँ, ठीक है। तो ये देखें अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा, मेक श्योर इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना हो। और हल्दी की क्वांटिटी आप इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं क्योंकि कड़ी का कलर जो है थोड़ा सा येलो अच्छा लगता है, ठीक है। तो मेक श्योर आपका कलर जो है थोड़ा येलो ही आए, अगर आपको कम लगा, मैं अगर मुझे लगा कि कम है तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बन चुका है, ये देखें कितना स्मूथ हो गया है। आपने अब चाहे तो आप इसको जूसर में भी कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ पानी। यहाँ पर आप पानी ले लीजिए, 4 ग्लास के करीब आप पानी डालें। ये मेरे पास अभी 2 ग्लास हैं और मैं 2 और बाद में ऐड करूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और स्मूथ कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं बाद में ऐड करूंगी जब मैं मसाला भून लूंगी। तो मैं इसको मिक्स कर दूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखें मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी 2 ग्लास मैंने पानी शामिल किया है, 2 ग्लास नहीं किया, मैं बाद में ऐड करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप आ जाएं देखिए की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा कप के करीब तेल लिया है, इसके अंदर मैं 1 बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज जो है वो ऐड कर रही हूँ सबसे पहले। तो इसको हम लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे जैसे नॉर्मली मसाला भूनते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर आप मेथी दाना भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल आधा टीस्पून से भी कम मेथी दाना तड़के के लिए जो है वो, तड़के के लिए नहीं मसाले के लिए आप ऐड कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल ऐड नहीं कर रही हूँ। तो ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या ऐड करना है। यहाँ पर आप देखिए मेरी प्याज ब्राउन हो चुकी है, मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने लगी हूँ। दो से 4 मिनट इसको आप भूने, लहसुन अदरक की स्मेल निकल जाए अच्छे तरीके से, फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें लहसुन अदरक मैंने भून लिया इसके साथ ही, अभी सारे मसाले मैं ऐड करने लगी हूँ। मसाले डालें और साथ ही बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मसाले आपके जले नहीं, और इसको अब आपने भूनना है अच्छी तरीके से, मसाला आपने भूनना है, ठीक है। पानी डाल डाल के आप इसको भूनते रहें, 5-5 मिनट भूने, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। Thank you.
तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए, मैं इसको भून रही हूँ, कंटिन्यूसली भून रही हूँ। और आप देखिए मसाले का कलर जो है वो मोर येलोइश में आ रहा है, तो हल्दी का हल्दी डालने से जो है वो इस तरह का येलो कलर डाल, थोड़ी ज़्यादा डालेंगे तो इस तरह का होगा, तो वो कड़ी में जो है वो अच्छा लगता है, फिर वो थोड़ी सी येलो जो होती है वो अच्छी लगती है। बेसिकली इसमें कड़ी में जो है वो ये है कि आप जितना ज़्यादा इसको पकाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी मज़े की बनेगी कड़ी। तो तकरीबन आराम से 1 से 1.5 घंटा इसको लगता है कड़ी को पकते पकते, क्योंकि वो खुशक भी होती है और फिर वो उसका सही जो टेस्ट है वो ज़रा पकने से ही आता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको हमने कड़ी को कितनी देर पकाना है। तो ये देखिए मसाला अच्छी तरह भुन गया है। अब मैं ये जो मेरे पास दही का और बेसन का हमने बनाया था पेस्ट, ये मैं ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि मैंने सिर्फ 2 ग्लास पानी शामिल किया था, तो मैं अब इसके अंदर और शामिल करने लगी हूँ। ठीक है, ये मेरे पास 3 ग्लास हो गए हैं अभी। और ये हो गए हैं मेरे पास 3.5 ग्लास। ठीक है, अभी मैंने इसमें 3.5 ग्लासेस डाल दिए हैं पानी। अब इसको आप पकने दीजिए बिल्कुल लाइक मीडियम टू हाई पे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं, कि ये ना हो कि उबल जाए, लेकिन ऐसी हो कि बहुत ही लो भी ना हो, मतलब दरमियानी सी आँच हो। ठीक है, तो इसको पकने में अब ज़रा टाइम चाहिए मुझे, मैं इसको चेक करती रहूँगी बीच बीच में, थोड़ा थोड़ा चम्मच चलाते रहें आप। और इसको हमने इस तरह करना है कि ये थिक सी हो जाए, और आपने इसको चक्कर देखना है बीच में तकरीबन 30 मिनट्स 40 मिनट्स के बाद, कि इसके अंदर कच्चेपन की स्मेल तो नहीं आ रही है। अगर आपको लगे कच्चेपन की स्मेल आ रही है, आपने उसको और कुक करना है। अगर पानी खुशक हो रहा है आपने पानी और डालना है। ठीक है, दूसरा ये है कि आप इसको नमक भी चख सकते हैं, अगर आपको नमक कम लग रहा है नमक और बेशक ऐड कर लीजिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो जब ये थिक हो जाता है फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप देखें ये कड़ी जो है मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है, देखें कितनी थिक कर हो गई है मेरी। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, मैंने 4 ग्लास पहले पानी से शामिल किया था, उसके बाद मैंने इसमें 1 ग्लास और ऐड किया है। पकते पकते ही जब ये थिक हो गई थी तो मैंने 1 ग्लास और शामिल किया था, और उसके बाद मैंने इसको दोबारा पकाया था। तो ये इतनी रेडी हो गई है, तकरीबन इसको पकते पकते अराउंड 60 मिनट्स हो गए हैं। ठीक है, 50 to 60 मिनट्स की बिल्कुल रेडी है, अभी भी ये सिमर पे है। ठीक है, अब मैं इसके पकौड़े बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर आप देखें इसके मैं पकौड़े डालने लगी हूँ कड़ी के साथ जो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याज ली है, इसको मैंने बारीक बारीक चकोर चकोर काट लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ 1 कप बेसन, डिपेंड करता है आप कितने पकौड़े बनाना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पर 1 कप से बना लूँगी। पुदीना है मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून होंगे, ये मैंने बारीक बारीक काटा हुआ है, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है पकौड़ों में। 1 हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, धनिया साबुत वाला है 1/2 टीस्पून, ये मैंने ऐड कर दिया इसमें। मिर्चें आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। उसके अलावा हल्दी डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून से भी कम है, कुटी हुई मिर्चें थोड़ी सी डालूंगी बिकॉज हरी मिर्चें मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। सोडा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, सोडा कड़ी वाले पकौड़ों में लाजमी जाता है, क्योंकि हमें इसके पकौड़े बिल्कुल सख्त नहीं चाहिए होते, थोड़े से सॉफ्ट चाहिए होते हैं, तो तकरीबन 1/2 टीस्पून से भी कम। और मैं अब ऐड करने लगी हूँ नमक, आधा टीस्पून नमक। और अब मैं इसको पानी से अच्छे तरीके से मिक्स करने लगी हूँ। पहले आप इसको वैसे ही मिक्स कर लें, और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको मिक्स करना। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है। अब आपने क्या करना है, ऑयल रख दिया है कढ़ाई में गर्म करने के लिए, आपने बिल्कुल छोटे, इतने छोटे नहीं, लाइक टेबल स्पून ले लें, उसको भर लें और इस तरह आपने डालते जाना है। गरम तेल है मेरे पास ऑलरेडी, ये मैंने कढ़ाई में जो है रख लिया था छोटी कढ़ाई में। अब आपने सारे पकौड़े फ्राई करने हैं लाइट गोल्डन ब्राउन, और उसके बाद आपने साथ ही जो है कड़ी में ऐड करते जाने, जितने भी आपको पसंद हो अपने कड़ी के हिसाब से देख लीजिएगा, कम ज़्यादा जैसे भी आप पसंद करते हो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो ये सारे मैं पकौड़े एक एक करके डालने लगी हूँ, और इनको फिर मैं लाइट गोल्डन ब्राउन जो है फ्राई करके कड़ी के अंदर साथ साथ ऐड करती जाऊँगी। ठीक है, मैं फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए मैं ये पकौड़े जो है फ्राई कर रही हूँ सोडे की वजह से ही, देखिए थोड़े से फूल भी रहे हैं और बिल्कुल सॉफ्ट बन रहे हैं। एक और बात मैं आपको ये बता दूँ कि कड़ी जो है इसके अंदर मैंने नमक जो है थोड़ा और ऐड किया था, क्योंकि नमक जो है मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था, जो कि मुझे कम लग रहा था। आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून, जितनी भी है आपकी चॉइस पर। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कड़ी के साथ चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं, कड़ी चावल बहुत पसंद किए जाते हैं, स्पेशली गर्मियों के मौसम में बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पर आप देखें तड़के के लिए जो मैं चीज़ें यूज़ करूँगी वो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, मैं थोड़ा सा ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब है, बहुत भर के नहीं कम।
तेज पत्ता है, और यहाँ पर मैंने देखी लाल मिर्ची ली है, लेकिन ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसका इसमें स्पाइस नहीं होता, ये सिर्फ कलर के लिए यूज किया जाएगी। तो ये भी मैं तड़के में थोड़ी सी डाल के इसको 1 मिनट के लिए तेल से फ्राई करके, और फिर मैं बाद में ऊपर से कड़ी के ऊपर तड़का लगाऊंगी इसका। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप मोटी मिर्चें भी लाल वाली यूज कर सकते हैं, जो गोल वाली होती हैं, या जिस तरह की भी सूखी वाली मिर्चें होती हैं, 4 से 5 आप वो यूज कर सकते हैं, और सूखा धनिया भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये पकौड़े जो हैं मेरे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बिल्कुल लो पर मैं इनको फ्राई कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह अंदर तक हो जाए, और इसको मैं फ्राई करके साथ साथ ऐड करती जाऊंगी। तो कढ़ी जो है थोड़ी सी आपकी टेस्ट में, जब आप टेस्ट करें, थोड़ा सा खट्टापन इसमें आना चाहिए, क्योंकि कढ़ी का मज़ा तभी आता है जब वो थोड़ी सी खट्टी होती है। सही है, तो ये हो गई है। अब मैं इसको जो है आप अपने हिसाब से थिक या पतला कर सकते हैं, कढ़ी का ये होता है कि आपको जितनी भी गाढ़ी पसंद हो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये स्टिल ऑन है चूल्हा मेरा, और मैं ये इसमें अब फ्राई करके साथ साथ डालती जा रही हूँ। जितने आपको पकोड़े पसंद हो आप उतने ऐड कर लीजिए, ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा ऐड करें, कम खाते हैं तो आप कम ऐड कर लीजिए। तो ये देखिए, अभी मैंने इसमें जो है सिर्फ एक बैच डाला है, हल्का सा इसको जो है आप मिक्स कर लीजिए, और मैं अभी बाकी भी फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, मैंने जो है अपनी सर्विंग डिश के अंदर कड़ी निकाल ली है, अभी देखची के अंदर भी है, लेकिन सर्विंग में जिस डिश में निकालना चाह रही हूँ उसके ऊपर भी मैं तड़का ऊपर से अलग से लगाऊंगी, बिकॉज मुझे पसंद आता है कि अगर मैं जिस डिश में से निकाल के खा रही हूँ उसके अंदर तड़का ऑलरेडी लगा हुआ हूँ, देखची के अंदर जाता है, मिक्स हो जाता है, तो वो फिर मुझे इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे अलग से आता है बनाने का, तो मैं एक अलग से डिश में भी तड़का लगा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख लें, मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर आधा कप से भी थोड़ा सा कम मैंने वही ऑयल यूज़ किया है जो मैंने पकौड़ों के लिए किया था। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके अंदर ये जो तेज पत्ता, इसके छोटे छोटे टुकड़े मैंने करे हुए यहाँ पर, तो ये 3 से 4 जो है ये मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इसको तेल जो है थोड़ा सा गर्म होना चाहिए ताकि ये साथ ही जो है वो पॉप होना शुरू हो जाए। अब मैं ज़ीरा यहाँ पर ऐड करने लगी हूँ, तो जैसे ही आपको कड़कड़ाहट सी महसूस हो और ये कड़कना शुरू हो जाए ज़ीरा, हमने इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करना है, क्योंकि इसकी जो एक अच्छी सी खुशबू आती है ज़ीरा भुना हुआ तड़का जो है ऊपर से, वो बहुत ही मज़े का लगता है कढ़ी के अंदर। तो अभी इसको 1 मिनट दे दीजिए फ्राई होने के लिए, और फिर बाद में हम ये मिर्चें जो हैं पिसी हुई जो हमारे पास है कलर के लिए, ये हम इसके अंदर एंड टाइम पे डालेंगे मिक्स करने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है, और अब मैं ये जो मिर्चें हैं ये ऐड कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से 1 मिनट के लिए आप इसको स्टर करें, चूल्हा बंद कर दें। ठीक है, ये आ गया कलर इसका, अब हम इसका तड़का लगाने लगे हैं। तो ये देखिए, ये तड़का ऊपर से लग गया है, और अब मैं अपनी डिश में लगाने लगी हूँ जिसमें मैंने सर्व करना है। तो ये इसके अंदर जा रहा है, तो इसको हम हल्का सा हिला लेते हैं, और ये देखिए हमारी कढ़ी जो है ये रेडी हो गई है, ये बहुत ही मजेदार बनती है। सॉरी, आपको बहुत शोर की आवाज आ रही है पीछे से, ये मेरे तोते हमेशा बोलना शुरू कर देते हैं। ओके, तो ये मेरी कढ़ी रेडी हो गई है, बहुत ही मजेदार बनी है, आप इसको चावल के साथ एंजॉय करें, रोटी से, जिससे मर्जी आपको पसंद आता है आप उसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है और आपने मोर वीडियोस देखनी है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।